नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोडर ज्ञान में। दोस्तों आज लोडर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ आपके सबके बीच। अगर आप लोडर सीख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको जानकारी मिल नहीं पाएगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको आगे जो बताने वाला हूँ वो जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके ट्रांसमिशन ऑयल के बारे में। ये गाड़ी का मॉडल है 2021, हिंदुस्तान 2021 है। तो इसके ट्रांसमिशन ऑयल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसके ट्रांसमिशन में कितना ऑयल डाला जाता है, कौन से नंबर का डाला जाता है, ठीक है, और जो है कितने घंटे के बाद इसको चेंज करते हैं, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको गाड़ी के पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका ट्रांसमिशन कहाँ लगा हुआ है और उसका ऑयल जो है कहाँ से निकालते हैं और कहाँ से ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए गाड़ी के जो है लेफ्ट साइड हम लोग हैं इस समय, और यहाँ से जो है आपको नीचे बैठ जाना है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये है इसका ट्रांसमिशन, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला इसका ट्रांसमिशन है, ठीक है। और आगे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये सामने वाला जो है इसका फिल्टर है, 24 नंबर का स्पैनर लगा के इसको खोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर है, ये फिल्टर का बॉडी है, ठीक है। और यहाँ से जो है, यहाँ से इसका ऑयल जो है निकालते हैं। यहाँ पे लंकी पाना लगेगा 12 नंबर का, ठीक है। यहाँ से जो है इसका, इसके अंदर जितना ऑयल रहता है वो निकाल देते हैं, ठीक है, चेंज करने के टाइम पे। अब आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ऑयल अगर डालना है तो कहाँ से डालेंगे। तो ये देखिए गाड़ी के जो है लेफ्ट साइड से ही, यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है, इसको ढक्कन को खोल के जो है आप यहाँ से ऑयल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑयल जो है पकड़ता कितना कितना लीटर इसमें डालते हैं और कौन से नंबर का डालते हैं और कितने घंटे के अंदर इसको चेंज किया जाता है, कितने घंटों, कितना घंटा गाड़ी चला के इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके ऑयल की तो इसमें जो है 41 लीटर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, 41 लीटर डीजल ऑयल इसमें डाला जाता है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कौन से नंबर का डाला जाता है। तो कैस्ट्रोल का एक ऑयल आता है SAE 30 नंबर, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसका फ़ोटो, ये नंबर का ऑयल इसमें डालते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आप कंपनी का ऑयल डालना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान कंपनी का ऑयल, तो TDTO-430W करके एक ऑयल आता है, उसका भी नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर का ऑयल जो है आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करने की बात करें तो दोस्तों जो है 1000 घंटा चलने के बाद इसको चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो 1000 घंटा चलाएंगे तब जो है इसको चेंज करने की टाइम आता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन का उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको चेक करने के लिए, इसका ट्रांसमिशन का ऑयल चेक करने के लिए 3 तरीके हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।